आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आगरा की तरफ से दयालबाग खासपुरा ग्राम सभा में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में एनएसएस से जुड़े स्टूडेंट्स ने ग्राम सभा में सफाई कार्य किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आगरा की तरफ से दयालबाग खासपुरा ग्राम सभा में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में एनएसएस से जुड़ी स्टूडेंट्स ने ग्राम सभा में सफाई का कार्य किया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षाविद मनमोहन चावला ने बताया कि पीएम मोदी के स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए उनके संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय खासपुरा गाँव को गोद लिया है। माननीय मोदी जी के एक पूरे देश के जो कार्यक्रम चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके तहत प्रधान जी से वार्ता हुई। प्रधान उदयवीर सिंह जी से इन्होंने जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं ये, और इस गांव को गोद लेने के लिए सरकार की सहमति बनी है इसमें, जिससे कि पब्लिक को जागरूक किया जा सके, आम जनता जागरूक हो, और देश हित में जैसे प्रधान जी काम कर रहे हैं तो उसके लिए बताया जाए कि क्या उनसे योजना कैसी है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। खासपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान चौधरी उदयवीर सिंह ने बताया कि रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय प्रबंध तंत्र के साथ मिलकर इस गांव में जहां सफाई के कार्य किए जाएंगे, वहीं हरियाली को विकसित करने पर भी कार्य किया जाएगा। देखिए, आज गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को ये हमारी ग्राम सभा का सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारा जो आत्मनिर्भर का प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है, उसी के तहत संत रामकृष्ण महाविद्यालय के चावला जी ने हमारी ग्राम सभा का खासपुर गांव एडॉप्ट किया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हमारी ग्राम सभा में माननीय कुलपति जी जो आगरा विश्वविद्यालय के बीच हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम है और वो हमारी ग्राम सभा में बच्चों को जागरूक करें। कार्यक्रम में खासपुरा ग्राम पंचायत से जुड़े गांव के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।